आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की जो न्यूज़ है वो 18 फरवरी 2024 को वजीराबाद के संगम बिहार में भारतीय सैफी डे कमेटी द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सैफी डे कमेटी के होनहार छात्र और छात्राओं को मेडल और शील्ड देकर उनको सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की। जी हाँ, इस प्रोग्राम की सदारत जनाब कल्लू प्रधान सैफी साहब ने की और चीफ गेस्ट कस्बा सियाना के जो है ताहिर अली सैफी साहब रहे। स्टेज पर मौजूद भारतीय सैफी डे कमेटी के कर्नल सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट सलीम सैफी साहब और अमीरुद्दीन सैफी साहब, जमील सैफी साहब और डासना से जनाब अनवर सैफी, जी हाँ अनवर साहब के बाद गाजियाबाद से जनाब के नफी साहब, पानीपत से जनाब फहीमुद्दीन साहब और चीफ गेस्ट मास्टर दमनेश कुमार जी और एसपी मनचंदा जी, जिन्होंने हाल ही में धरोहर नाम की एक किताब लिखी है। जी हाँ, और पश्चिमी यूपी से अनुसूचित जाति के जॉन प्रभारी पुष्पांकर देव जी और हाजी शेर मोहम्मद सैफी साहब। और जी हाँ, प्रोग्राम का संचालन तो बहुत बेहतरीन अंदाज से हुआ, लेकिन आज की इस प्रोग्राम की मुख्य आकर्षक जो हैं वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली मुस्तफाबाद की बाबू सैफी की लड़की, जी हाँ बाबू सैफी की लड़की महक सैफी, जिन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल देकर हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ाया, हिंदुस्तान का जो है नाम दुनिया में रोशन किया। जी हाँ, मुख्य आकर्षक वही रहे। और एक दलित नेता ने एक शेर द्वारा पूरा माहौल ही बदल दिया। शेर था कि इस दौर की राजनीति में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर की राजनीति में वफा ढूंढ रहे हो, अरे नादान तुम नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इस शेर से पूरी महफिल जो है तालियों से गड़गड़ाहट गूंज उठी। और ये रिपोर्ट देखें हमारे संवाददाता जान मोहम्मद द्वारा। ये कम बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने नेपाल के काठमांडू में इंटरनेशनल पाकिस्तान में उस मुकाबले में इंडिया के लिए, भारत के लिए दो गोल्ड मेडल जीत करके भारत की टोली में डाले। हम भारतीय सैफी डे कमेटी महक सैफी इस बच्ची को ये अवार्ड देकर के गर्व महसूस कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपके उज्ज्वल भविष्य में अल्लाह ताला और चार चांद लगाए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बढ़िया। और अब ये एजाजात का सिलसिला के सम्मानित सदस्य, उपस्थित बहनों, उपस्थित सभी भाइयों और बच्चों, सभी को जय भी। मेरा नाम पुष्पांकर है, आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। और मेरा काफी लंबे समय से सैफी समाज से संपर्क रहा है। मैं दूसरी बैठक है मेरी, पहली मैंने हापुड़ में अटेंड की थी लास्ट ईयर, ये तो अभी सम्मान समारोह है। देखिए, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ छोटी सी बात करना चाहता हूं। ये तो सब चलता रहेगा, सम्मान भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, खाना भी चलता रहेगा, लड़ाई खाने की नहीं है, लड़ाई कुछ और है। मैं बैठे बैठे थोड़ा सा देख रहा था कि एक शेर है कि इस दौर की राजनीति में के इस दौर की राजनीति में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर की राजनीति में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो आज के हालात इसे समझने की जरूरत है। आपका ठीक है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आगे लाना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आज लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा, मैंने बीए किया, बीबीएड किया, एमबीएड किया, एलएलबी की, एमए हिस्ट्री, मेरे घर में सारे टोटल हाईली क्वालिफाइड विदेश में भी बेटा गया हुआ है, बेटी 2018 में आईएएस के इंटरव्यू में रह गई, अभी आईएएस को कोचिंग देती है,
छोटी बेटी है असिस्टेंट प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बेटा एडवोकेट है अभी तैयारी कर रहा है जुडिशरी की। तो सारा खान मिसिंग मेरी वाइफ वाइस प्रिंसिपल रिटायर हो गई, मैं लेक्चरर था दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये जहर की सीसी में दवा ढूंढ रहे हैं। मैं इसी को थोड़ा बढ़ाता हूं आगे, पांच की जगह छह मिनट दे देता हूं सर। तो आज के हालात बहुत गंभीर है और कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है सर। और ये जो पूरी की पूरी जो गाज गिर रही है ना, ये एससी के ऊपर और माइनॉरिटी के ऊपर गिर रही है, माइनॉरिटी में खासतौर से मुस्लिम के ऊपर। जो सच्चाई है तो स्वीकारना पड़ेगा और ये समय है हमें जगने का। हम तो जाग गए, दलित जाग गया, पूरी लड़ाई लड़ रहा है पूरे देश के। आप देख सकते हैं जो भी लड़ाई आज चल रही है, चाहे ईवीएम के खिलाफ है, चाहे दूसरे मामले में है, सरकार के खिलाफ है, और बड़े बुरे हालात हैं। इस हालात में थोड़ा सा बस ये मनन कर लो कि इस बार बाकी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, इस बार तो डेमोक्रेसी बचा लो, संविधान बचा लो। संविधान जा रहा है, संविधान को संविधान बचने वाला नहीं है। संविधान नहीं बचेगा तो हम बैठ नहीं सकते ऐसे। अभी किसानों का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून लगा दिया कि कोई कृषि को कभी भी उठा सकता है घर से बिना बताए, वो लगा दिया था अभी बनाया था। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, ये जो हमारे प्रोग्राम है ये हर साल चलेंगे, बराबर चलेंगे, सम्मान भी होंगे, लेकिन तभी होंगे जब हम स्वतंत्र हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।